चलो हटो 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 यार, पहले तो मैं इनको देखूं कि इन्होंने कुछ करा है नहीं करा है। या भाई किधर हो? हाँ भाई, इनको अभी अभी डाल के गया था खा रहे। अंदर अंदर जैकी, जैकी बाहर आ गई। जैकी अंदर जाओ, तुमने तो ना बहुत परेशान कर रखा है। कहाँ गई? घुस गई होगी नीचे। इधर आ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार दोस्तों, मैं रात भर से ना इसी चेकिंग में लगा हूँ कि ये पता नहीं शायद बच्चे दे दें, बच्चे दे दें, बच्चे दे दें। रात भर भी मैं 3 से 4 मरतबा ना इनको चेक करके गया हूँ, पर बच्चों की यार कोई चीज़ मतलब नहीं दी है इन्होंने। और बस हमारे को साइन मिल रहा है कि ये बच्चे देने वाली हैं और शायद दोनों देने वाली हैं। तो खुशी एक अजीब सी थी, तो इस वजह से मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैं बार बार आके देख रहा था कि शायद उन्होंने बच्चे दे दिए हों। कहाँ गई? ये बैठी हुई है महारानी सुनैबा। यार तुम ना पूरे ये फाड़ दोगी हमारे। हटो दोस्तों। यार ये पूरे के पूरे ना वो फाड़ी है हमारे कपड़े, इसके नीचे जो है ये देखें कहाँ घुसी हुई है। अभी कहाँ गई जैकी? जैकी किधर हो? तो कपड़े इतने, ये रही, ये देखें। इधर से आता हूँ तो वहाँ चली जाती है, यहाँ से आता हूँ तो वहाँ चली जाती है। कहाँ गई? वो बैठी हुई नीचे, वो देखें दोस्तों छुपके बैठी हुई है। तो यार ये कहीं भी बच्चे दे देगी, इस वजह से ना मुझे बार बार इसको देखना पड़ रहा है आके। खैर दोस्तों, इसको मैं बंद करता हूँ और फिर हमें जाना है कुछ लेने। में बताता हूँ, आ जाओ मेरे बच्चे। देखी तेरा भाग गई यार, ये बहुत तेज है दोस्तों, ये देखिए। चलो 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 चलो, जैकी वरना वो भी बाहर आ जाएंगे। चलो अंदर जाओ, चलो। हाँ गुड। तो यार इनको बंद करने के बावजूद देखने दोस्तों, आवाज़ आ रही है कोने से ना, वो मोहतरमा जो है हमारी जैकी, वो खुलने की कर दी है। बस खैर अभी बंद रहो तुम। और बाकी दोस्तों यार हमज़ा भी आ गया ऊपर। हमज़ा को मैंने वो खाना ले रहा था उस वक्त, नीचे की तरफ था तो खाना लेने आया था। खैर दोस्तों, मैं जो हूँ वो जा रहा हूँ अब बर्ड शॉप पर। वजह ये है कि दोस्तों दाना बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हमज़ा मैं भाई बर्ड शॉप पर जा रहा हूँ, तुम इनको दाना पानी कर देना, ठीक है? फिर मैं भाई के साथ जा रहा हूँ, तुम इनको थोड़ा संभालना, वो देख के रखना। बाकी यार अगर मैं रात से देख रहा हूँ कि उसके बच्चे आ गया, यकीन मान मेरे को बड़ा दोस्तों दिल से इंतजार था कि इसके बच्चे बस देखने को मिल जाएं जल्दी से। और अगर सामने लाइव बर्थ मिल जाए देखते हुए, कि माशा अच्छा लगता है देख के कि यार उसके बच्चे हो रहे हैं और सामने हैं, उसने दिए हैं। बाकी चलें कोशिश करते हैं, देखते हैं कि इसके बच्चे अब कब आते हैं हमारे पास। खैर यार मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना? भाई बुला रहे हैं नीचे, वेट कर रहे हैं। नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं है, सब खत्म हो गया है दाना, एक एक चीज़ खत्म हो गई। तो मैं सारा कुछ लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? तो चले यार दोस्तों, भाई इंतजार करें नीचे, हम चलते हैं डायरेक्ट बर्ड शॉप पर। और अगर कुछ आया हुआ तो यार वो भी देखेंगे हम बर्ड शॉप पर, आपको भी दिखाऊंगा, और कुछ पसंद आ गया तो वो ले भी लेंगे। तो यार दोस्तों हम जो हैं निकल गए हैं वो शॉप के लिए। दरअसल गाड़ी में आना पड़ा है क्योंकि फैमिली थी साथ, तो उनको छोड़ा कहीं और। और अब हम जा रहे हैं मैं और भाई बर्ड शॉप पर, और बस पहुँच गए समझे, वो रही सामने। चलो भाई यार दोस्तों बर्ड शॉप पर पहुंच गए हैं हम, और दाना पानी लें, और मैं कुछ चीज़ें भी देखी हूँ कुछ आया हुआ या नहीं। तो भाई इनके पास ये आई हुई हैं मुर्गियाँ, और ये है हमारा जो तुर्की बर्ड, रैबिट, सब कुछ ही तकरीबन भारी रखा हुआ है। यार ये हैं दोस्तों डस, वाइट डस जो मैं लेने की सोच रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास छोटी हैं, वो डायमंड अब हम बेच देंगे क्योंकि वो काम की नहीं लगेंगे यार, क्योंकि और वो ना डर भी बहुत नहीं है, उनकी जगह सही नहीं है। तो ये इंशाल्लाह लेंगे जब दोस्तों हम अच्छा सा बड़ा केज बनाएंगे। दोस्तों अंदर आ गया हूँ भाई, अच्छी खासी चीज़ें लगी हुई हैं, और मुझे लग रहा है इन्होंने पूरी सफाई करी है अपनी बर्ड शॉप की, क्योंकि यहाँ पर पूरा भरा हुआ था। खैर नई चीज़ जो शॉप पर आई है दोस्तों वो है सुरखाब, माशाल्लाह से लाल वाले सुरखाब, ये भी हमें मिल रहे थे। पर यार ये बहुत कॉस्टली पड़ रहे थे कराची से यहाँ पे, और हमारे पास जगह भी ऐसी नहीं है कि ये रखे जाएँ, क्योंकि बहुत खूबसूरत हैं, उनके लिए एक बड़ी जगह होना लाजिम है। और बाकी ये वाला भी आया हुआ है माशाल्लाह से, ये बड़ी जगह के लिए सही है भाई। ये यहाँ बताओ ना, हमारे केज में थोड़ी आ पाएगा ये, क्यों? बहुत बड़ा है माशाल्लाह, खूबसूरत कितना है वो तो देखो, बहुत हसीन है माशाल्लाह। और ये वाला देखो, ये इससे नीचे का होता है, इससे नीचे का होता है ये वाली नस्ल ही होती है। हाँ ना, अलग अलग होती हैं। बाकी यार बड़ी खूबसूरत दोस्तों बेचारा ले जाए, इसमें मिक्स कर दें, खाली दाना दे देंगे दोस्तों, बहुत हो गया। हमारे जितने बर्थडे परेशान हो जाते हैं। अब हमने दाने के अंदर ना बाजरे में ये भी मिलवा दिया, थोड़ी सी दालें वगैरह, ताकि उनके लिए अच्छी होती है।
चलो चलो चलो। तो भाई हमने सामान ले लिया है दोस्तों, अब चलते हैं यार सीधा घर। तो यार चलते हैं जल्दी से घर दोस्तों, और जल्दी से देखें जाके सेटअप पर क्या चल रहा है। तो यार दोस्तों लेकर आ गया मैं, अल्लाह यार बहुत टाइम लग गया आज, और मगरिब होने को आ गई है दोस्तों, दिन ढलने को हो रहा है। बाकी सबको यार बंद कर दिया, खिला पिला के। शायद हमदा शायद काम से चला गया जल्दबाजी के चक्कर में, वो तो इन सारों का खैर उसने कर दिया होगा, दाना पानी खाना पीना सब। तो यार एक मरतबा और मैं रैबिट को देख लूँ यार, पहले तो दोस्तों इसको रखें। जाओ यार, यार इसमें शायद है थोड़ा बहुत, और ये आ गया दोस्तों हमारा दाना। तो यार एक मरतबा रैबिट्स को देख लूँ मैं अपने कि इनकी क्या सूरत हाल है। इन्होंने कुछ करा है यार, तुम बच्चे दे दो जल्दी से, क्या बात है आज कुछ जमा नहीं करा तुम लोगों ने है? आज मेरे हिसाब से हमदा ने इनको खोला नहीं होगा, तो इनके पास कुछ जमा नहीं हुआ। इनके पास सिर्फ दोस्तों वो कल की कतरने पड़ी हुई है कपड़ों की, वो देखे कोने पे, और बस ये ऐसे ही आपस में बैठे हुए हैं। रुक जाओ मैं थोड़ा सा दाना दे दूँ तुम लोगों को। तो इतना दाना दोस्तों बहुत है इनके लिए, क्योंकि हमजा ने इनको खाना पीना अच्छा खासा करा हुआ है। इधर आ जाओ जैकी, चलो आओ अंदर जाओ अंदर जाओ। अरे जैकी इधर आओ, ऐसे आके अंदर आ जाओ। अरे आराम से आराम से, चलो यार बड़े तेज होते हैं यार ये, ये उछलते ना मुझे डर लगता है कि अगर ये बच्चे देने वाले हो इनके लग लगाना जाए। तो खैर यार इनको मैं बंद कर दूं दोस्तों पहले जल्दी से। ये बंद और ये दूसरी एड, अल्लाह हाफिज जाएगी। तो यार आज का दिन तो दोस्तों बहुत ज़्यादा बिजी चला गया मेरा, क्योंकि बर्ड शॉप पे जाने की वैसे। बाकी दोस्तों बर्ड शॉप पे जो हमने काफ़ी जानवर देखने की कोशिश की, पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई थी। सुरखाब भी आया हुआ था इतना प्यारा यार, दो दो अलग अलग रंग के फेसेंट आए हुए थे, पर वो बहुत एक्सपेंसिव थे, कॉस्टली थे, मे बी 30,000 के अराउंड थे वो। खैर जो भी थे दोस्तों बहुत हसीन थे, बहुत खूबसूरत थे, लेकिन हमारे पास यार अभी जो सुरखाब है वही हम उसमें खुश हैं, क्योंकि अभी हम जब बड़ा करेंगे इंशाल्लाह जो भी केज वगैरह, तो इंशाल्लाह फिर लाया करेंगे नई चीज़ें नई चीज़ें। और बाकी एक ही चीज़ बोलूँगा, हर बार मैं बोलता हूँ उसको, सपोर्ट करती रहिए। मैं इंशाल्लाह आगे बहुत कुछ करूँगा, जब सपोर्ट होगी तो ही ये सब कर पाऊँगा। तो दोस्तों यार अजानें शुरू हो गई हैं, दिन बिल्कुल ढल रहा है, और अजानों का एहतराम अपनी जगह है। तो मैं वीडियो को यहाँ ही एंड करता हूँ आज। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे चैनल गर्मेश शौक को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ। अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय।